दिनांक 25 अगस्त सन 2003 को मेरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और फिर बाद में दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को राज्यसभा से त्याग पत्र देने की घटनाएं भी आप लोगों के सामने हैं। और ये कुछ जरूरी बातें आज यहाँ मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि खासकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीएसपी के साथ किसी भी चुनावी तालमेल या समझौता करने से पहले ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि बीएसपी अपार संघर्षों से निकली हुई पार्टी है तथा सर्व समाज के गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के साथ साथ करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व स्वाभिमान के साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकती है और ना ही किसी के हाथ का कभी भी खिलौना बन सकती है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किसी भी सच्चे अनुयायी के खून में आसानी से नहीं हो सकता है, मतलब कि वो किसी के हाथ का खिलौना बन जाए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किसी भी सच्चे अनुयायी के खून में आसानी से नहीं हो सकता है। और इसलिए आज बीजेपी के डर से कांग्रेस पार्टी, खासकर सही बात तो ये है कि इसलिए आज बीजेपी के डर से कांग्रेस पार्टी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को चुनाव में टिकट देने से डर सकती है, लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो बीएसपी ऐसा नहीं करती है। हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो काम कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। ये राजनीतिक पार्टी की स्वार्थी सोच से ज़्यादा हमारे मूवमेंट की आगाज़ है जो हमें ताकत देती है तथा दूसरी पार्टियों से अलग पहचान देती है। और इसी प्रकार के व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर ही हमारी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव लाकर बीजेपी की घोर गरीब, मजदूर, किसान व महिला विरोधी तथा बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के समर्थक निरंकुश व अहंकारी सरकार को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन करने पर अपनी सहमति जाहिर की। और इसी क्रम में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए पहले दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में क्षेत्रीय दल जनता दल यूनाइटेड और फिर हरियाणा में श्री चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन किया हुआ है। परंतु अब जबकि देश में लोकसभा के साथ साथ या इससे थोड़ा पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि इन राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव सर पर आगे हैं, तो चुनावी गठबंधन के मामले में कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा की तरह बीजेपी को परास्त करने का नहीं बल्कि अपनी विपक्षी पार्टियों को इच्छित करने का ज़्यादा हमें लगता है, जो कि एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कांग्रेस पार्टी अपने इस प्रकार की नीतियों का नुकसान बार बार उठा रही है, लेकिन फिर भी ये पार्टी अपने आप में सुधार नहीं कर रही है। और ठीक ऐसे समय में जब देश की आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य में इनकी सरकारों के हर प्रकार के अच्छे दिन लाने व काला धन वापस लाकर उसमें से 15 से 20 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार के हर सदस्य को देने आदि संबंधी घोर वायदा खिलाफी जनहित व देश से विश्वासघात करने के साथ साथ तो बीजेपी सरकारों की खासकर गरीब, मजदूर, किसान व छोटे व्यापारी विरोधी नीतियों के कारण बढ़ती गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि के जबरदस्त मार से बुरी तरह से पीड़ित व त्रस्त है। और इस अहंकारी, जातिवादी व निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी की गलतफहमी के साथ साथ उसका अहंकार भी अब सर चढ़कर बोलने लगा है कि वह अकेले अपने बलबूते पर यह बीजेपी को हराने का काम कर लेगी। जबकि जमीनी वास्तविकता यह है
कि कांग्रेस पार्टी को उसकी अपार गलतियों व भ्रष्टाचार आदि के लिए देश की जनता काफी कड़ी सजा दिए जाने के बावजूद अभी उसे भी माफ करने को पूरी तरह से तैयार नहीं है, और जिसका ही पूरा फायदा लेकर बीजेपी न केवल केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार में है, बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में सत्ता में आकर अपने घोर जातिवादी सांप्रदायिक व विद्वेषपूर्ण एजेंडे को लागू किए हुए हैं, और जिससे हर तरफ लगभग तनाव, हिंसा व अराजकता का माहौल व्याप्त है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपने में जरूरी सुधार लाने को तैयार नहीं लगती है। वैसे तो विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी ने व्यापक देश हित को ध्यान में रखकर वह बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और इस संबंध में काफ़ी बदनामी भी मोल ली है। लेकिन इसके एवज में बीएसपी नेतृत्व का एहसान मंद व शुक्र गुजार होने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की तरह ही हमेशा दगा किया व पीठ के पीछे छुरा घोपने का काम किया। इस संबंध में वैसे तो अनेकों उदाहरण देश की जनता के सामने हैं, परंतु ताज प्रकरण एक खास ऐसा उदाहरण है जिसमें बदले की भावना से काम करते हुए पहले बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुझे फर्जी फंसाया और फिर कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने इस मामले को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काफ़ी दिनों तक उलझाए रखा, और फिर अंत में काफ़ी लंबे समय वे काफ़ी कड़े संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिल पाया। ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि सन 1932 के पूना पैक्ट, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता होने का गौरव प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी घोर लगातार उपेक्षा व उन्हें संसद में सम्मानपूर्वक चुनकर जाने से वंचित रखना, उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं करना, महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार देने संबंधी हिंदू कोड बिल को पारित कराने में वादा खिलाफी व दलितों व पिछड़ों के आरक्षण को संविधान के मंशा के अनुरूप लागू नहीं करने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा आदि देने के साथ साथ बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत के बाद भी उनकी मृत्यु पर एक दिन का भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं करने आदि की कभी भी ना भुलाई जाने वाली दुखद घटनाओं के बावजूद भी BSP द्वारा सत्ताधारी BJP के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति कोई कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, मायने रखती है। परंतु चुनावों में गठबंधन की ताज़ा घटनाओं के संबंध में कांग्रेस पार्टी के रवैये से ये साफ लगता है कि रस्सी जल गई पर ऐठन अभी तक भी नहीं गई है, अर्थात कांग्रेस पार्टी कतई तौर पर BJP को पराजित करने में रुचि नहीं रखती है, जिसका फिर से नुकसान सहने को शायद देश की जनता तैयार नहीं है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के हर मामले में अभी भी काफ़ी दयनीय स्थिति है, फिर भी उसे गुजरात की तरह अभी तक ये गलतफहमी बनी हुई है कि वह अकेले अपने बलबूते पर ही BJP की साम दाम दंड भेद व EVM आदि के अनेकों प्रकार के हथकंडों का सामना कर लेगी, तो ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है। जबकि पिछले सभी चुनावी अनुभव ये बताते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी से मुख्य मुकाबला है तो BJP चुनाव आसानी से जीतकर सरकार बना लेती है, फिर भी विपक्षी पार्टियों को अगर कांग्रेस पार्टी से मुख्य मुकाबला है तो BJP चुनाव आसानी से जीतकर सरकार बना लेती है, यह अभी तक का अनुभव रहा है। फिर भी विपक्षी पार्टियों को आगे करना तो दूर, उनके साथ सही सूझबूझ
वह ईमानदार ईमानदार के साथ ईमानदारी ईमानदारी से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए भी कांग्रेस पार्टी अभी हमें तैयार नहीं लगती है। अर्थात ये सवाल उठता है, क्या सही मायने में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी चुनाव में पराजित हो? वर्तमान परिस्थिति में जनता ये सोचने पर, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, वर्तमान परिस्थिति में जनता ये सोचने पर मजबूर है, क्योंकि गुजरात की तरह कोई और मौका राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को कतई भी नहीं देना चाहती है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के ऐसे दुखद रवैये के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी ने अपने पार्टी व मूवमेंट के हित में अपने दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में और अब आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में, पहले हमने उधर कर्नाटक में किया और अब आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही होने वाले चुनाव में यहाँ क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और अब बीएसपी मूवमेंट के हित में ये फैसला किया है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। उधर तो हमने क्षेत्रीय कर्नाटक में क्षेत्रीय पार्टी से हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अब आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही होने वाले चुनाव में या क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अब बीएसपी मूवमेंट के हित में ये फैसला किया है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी यहाँ तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ करेगी और अब राजस्थान व मध्य प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रवैये से ये लगता है कि वे लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गंभीर व ठोस होने के बजाय बीएसपी मूवमेंट को ही ख़त्म करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के इसी प्रकार के गलत रवैये के कारण ही बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व गुजरात आदि में काफ़ी लंबे समय से सत्ता में बनी हुई है और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तब बीजेपी को हराने की किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। ये बीजेपी से ज़्यादा गैर बीजेपी ताकतों को कमज़ोर करने की ही साजिश लगती है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी राजस्थान प्रदेश के 200 विधानसभा की सीटों में से केवल 9-10 सीटें और मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से केवल 15-20 सीटें तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश की 90 विधानसभा की सीटों में से केवल 5-6 सीटें बीएसपी को देने के लिए कभी भी अपना अड़ियल रवैया नहीं अपनाती, जबकि पूरा देश ये जानता व मानता भी है कि केवल बीएसपी का वोट ही दूसरी पार्टियों को ट्रांसफ़र होता है, अन्य किसी भी पार्टी का नहीं। अर्थात गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है और इस संबंध में खासकर कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के सन 1996 के हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ किए गए गठबंधन के अनुभव को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए था। इसलिए इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारी पार्टी ये सोचने के लिए मजबूर है कि बीजेपी जैसी जातिवादी व सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करने की आड़ में हमें चुनावी गठबंधन में बहुत ही थोड़ी सीटें देकर ये पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी वास्तव में बीजेपी की तरह ही हमारी पार्टी को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है, जिससे पार्टी के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि हमारी पार्टी के कांग्रेस पार्टी व इनकी सरकार पर काफ़ी एहसान रहे हैं, फिर भी ये पार्टी हमारी पार्टी को राजनीतिक तौर पर समाप्त व बर्बाद करने के मामले में बीजेपी से 2 कदम आगे बढ़ जाना चाहती है, लेकिन बीएसपी व इसका नेतृत्व वह फत्तर है
जो नदी की धार के रुख को बदलने की क्षमता रखता है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी की सीख है। वह बीएसपी को आघात लगाने की किसी भी रणनीति व षड्यंत्र को कभी भी सफल नहीं होने देगी। और अब अंत में ये बात कि बीएसपी सर्व समाज में से अतिशोषित व पीड़ित, खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों व अपर कास्ट समाज के गरीबों के साथ साथ देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनत कश लोगों के हित व स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है, तथा किसी भी कीमत पर इस मामले में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के आगे झुकने वाली है। इन लोगों में समाज का संकीर्ण रुख व जातिवादी व सांप्रदायिक जालिम सरकारों को उखाड़ फेंकने की क्षमता कल भी थी और आज भी है, जो कि आने वाला चुनाव परिणाम साबित भी करेगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये बात भी जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे रवैये को देखते हुए अब हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी कीमत पर मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। ये जो छत्तीसगढ़ में तो हमारा वहाँ की रीजनल पार्टी से हुई गया अलायंस, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इस जरूरी ऐलान के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ।